चलो दे दो, पूछ लो। जाओ भाई, बुक दो। कल्पना पायल ना। 10.4 चेक पॉइंट दिया था। हाँ बोलो, सेकेंड नंबर। हाँ क्या बोल रहा है? इन अबव क्वेश्चन वन, फाइंड द स्पीड ऑफ इच पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन रिड्यूसेस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कंसिडर द टू आइडेंटिकल पार्टिकल शोन इन द गिवन फिगर। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड मे मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज। ठीक है, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन रिड्यूसेस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर जो वन है उसी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला बच्चे कि एक पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है ना, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। क्लियर? तो बोलता है कि जब इससे हाफ हो जाए, अभी क्या था? रेस्ट में था, है ना। पहले देखो क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहे हैं, वन में, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो छोड़ने से पहले क्या थे? रेस्ट में थे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब तक मैं पकड़ के रखा हूं तब तक रेस्ट में, जैसे ही छोड़ूंगा वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की ओर चल पड़ेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब रेस्ट में था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। चल ही नहीं रहा था तो कहां से होगा? इसके पास कितना? जीरो। और कोई एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा? माइनस जी एम इंटू एम अपॉन डी। तो टोटल एनर्जी अभी कितना है बेटा? यही है टोटल एनर्जी, तीनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज द टोटल एनर्जी, है ना। तो ई बराबर क्या हो गया? माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी। नहीं ना समझ में आया बेटा? अच्छे से समझा। अब बोलता है दोनों चल पड़ा था, एक दूसरे के पास आया, पास आने के बाद अब इसके बीच की गैप कितनी रह गई? आधी रह गई, डी बाई टू रह गई। तो अब तक क्या हुआ होगा? ये चल के आया ना यहाँ तक, तो वेलोसिटी आ गई होगी इसके पास। इसके पास बोल लेता हूँ बेटा वी वन, और इसके पास बोल लेता हूँ वी टू। आ रही बात समझ में आपको अच्छे से? तो बताओ इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी वन स्क्वेयर। इसके पास कितनी? हाफ एम वी टू का स्क्वेयर। अच्छे से समझा? और कोई एनर्जी होगी? पोटेंशियल कितना बेटा इस बार? माइनस जी एम इंटू एम अपॉन डी बाई टू। नहीं समझा? समझ गए? तो टोटल एनर्जी कितनी बेटा? ये तीनों को ऐड कर दूंगा। बोलो भाई। हाँ नहीं समझ आ रहा है? प्लस माइनस जी टू जी एम ना, टू जी एम स्क्वायर बाय डी। अभी टोटल एनर्जी इतनी है, कोई दिक्कत? हमने जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था तो वहां पर एक थ्योरम पढ़ा था बेटा, मतलब एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो बताओ इसको यहां से यहां लाने में मेरा कोई हाथ है, आपका कोई हाथ है? वो अपने आप हुआ ना, उसने एक दूसरे पे लगाया ना। जब आपस की बातें होती है तो हम क्या कहते हैं? ये उनका इंटरनल है ना, उसके अपना मामला है, उसका अपना मामला है ना। नहीं समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपस में इन दोनों ने फोर्स लगाया, वो इंटरनल हुआ, बाहर से हमने नहीं लगाया, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो ये एनर्जी और जो पहले का एनर्जी था दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वेट कर लेंगे। बोलो करूंगा कि नहीं? तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो बेटे, माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस टू जी एम स्क्वायर बाई डी, ये इधर आएगा बेटा, प्लस माइनस क्या बचेगा, जी एम स्क्वायर बाई डी इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब क्या करें सर, निकालना क्या था बेटा अपने को, क्या निकालना है, स्पीड निकालना। अब बताओ अब क्या करें सर, अब क्या करें, और कुछ तरीका सुन, और कुछ दिख रहा है आपको, V1 और V2 दो अननोन, एक ही इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व, दो इक्वेशन दो अननोन एक सिंगल इक्वेशन से निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो, नहीं तो भैया दूसरा इक्वेशन कहां से लाएं। तो पीछे के चैप्टर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन बोलेगा जल्दी से बोलो, सबसे पहले कौन बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आफनान बोलो बेटा, पूरा पूरा स्टेटमेंट बोलो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कुछ कंडीशन नहीं है उसका, है ना, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं बच्चे, है ना, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो बताओ स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था बेटा इसके पास, इसके पास, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो रेस्ट में था, रेस्ट में था, वेलोसिटी इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, तो दोनों का पास मोमेंटम क्या था, पहले जीरो, समझ गए ना, तो पी आई क्या था, जीरो था, और बाद में कितना हो जाएगा बेटा, है ना, एम वी वन प्लस एम वी टू, है ना, तो एम वी वन प्लस एम वी टू, ये हुआ फाइनल। तो फाइनल और इनिशियल क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, है ना, क्यों, तभी तो कंजर्व्ड रहेगा ना। तो बेटा यहां से देखो m और m कॉमन होके उधर चला गया, v1 plus v2 equal to क्या आया, जीरो आया, v1 बराबर क्या आया बेटा, माइनस v2, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, माइनस होने का, कि एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आ रहा है, आएगा ही ना, एक दोनों इधर से इधर आए ना, तो एक इस तरफ चल रहे एक इस तरफ चल रहे, कुछ दिक्कत है, आ गई बात समझ में, तो आपको क्या समझ में आया बेटा, तो ये दोनों तो बराबर ही है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, बराबर है, आ रही ना बात समझ में, क्लियर है। तो मैं वी वन बराबर वी टू ले लूं इक्वल टू वी, माइनस का क्या मतलब हुआ, समझ आए ना, अच्छे से समझा, तो इसके बदले मैं क्या ले लूंगा, वी ले लूंगा, दोनों की वेलोसिटी उस टाइम पर क्या होगी, सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही था, है ना, सारी चीजें दोनों के साथ सेम हो रही थी, तो वेलोसिटी भी सेम ही होगा ना, तो मैं इसको क्या कर लूंगा बेटा, वी ओनली, नहीं बताओ, तो अब कितना हो गया बेटा, एम बी स्क्वायर, है ना, एम बी स्क्वायर क्या कट गया बेटा, एक सिंगल एम कट गया, ठीक, तो देयर फोर वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम बाय डी, देयर फोर वी बराबर स्क्वायर रूट जी एम बाय डी, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इच पार्टिकल व्हेन देयर डिस्टेंस विल बिकम हाफ, ओके अंडरस्टूड, नोट कर डालो बच्चे, और कोई डाउट है तो बताओ, और कोई डाउट है बेटे, नंबर सिक्स, ठीक है, फोर, ओके फटाफट करो, चोरगे तुम्हारा घर कहाँ है, खेड़ में ही, अच्छा तानाजी राव चोरगे से कोई संबंध है तुम्हारा, कोई नहीं, जानता है तुम, जानता भी नहीं, आगे बढ़ूं,
क्या है? थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे है। पढ़ाने दो यार मेरे को। चार्स साढ़े तीन तक बता लेता हूँ, मिटाऊं बेटे। क्वेश्चन नंबर फोर, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल यू, इट्स वेट एट अ डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला? पोटेंशियल सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज यू। तो ये मान लो अर्थ है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है ना एक पार्टिकल है मान लो स्मॉल m, इसका मास कितना है? कैपिटल m। तो बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस g, तो माइनस हटा देता हूँ सिर्फ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन क्या बेटा? आर स्क्वेयर है ना, सॉरी आर ओनली है ना, आर ओनली को बोल रहा है कितना है? यू है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आ रही बात समझ में? आगे क्या बोलता है? इट्स वेट एट अ डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर मैं टू आर पर चले जाऊंगा बेटा, टू आर पे चले जाऊंगा, तो यहां पर फील्ड कितना होगा, सॉरी जी कितना होगा बताओ? स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? जी एम बाय आर स्क्वायर था है ना। तो ये देखो अभी कितना है? टू आर है, तो टू आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं समझा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? जी एम बाय फोर आर स्क्वेयर। ओके, ये क्या हो गया? जी आ गया। हमको क्या निकालना है? वेट है ना, वेट निकालना है। तो वेट क्या होता है बेटा? एम इंटू जी। नहीं, वेट क्या होता है? एम इंटू जी। तो इधर भी एम मल्टीप्लाई करो, इधर भी एम मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा? तो वेट बराबर हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन फोर आर स्क्वेयर। बोलो बेटे, तो इसको मैं सेपरेट कर लूं, वन बाय फोर आर को अलग और जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर को अलग। व्हाट इज दिस? समझ गए? तो यू बाय फोर आर, व्हिच इज द ऑप्शन? यू बाय फोर आर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? इजी ना? क्लियर? नहीं समझा मैं। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त है ना अपन क्या करते हैं? माइनस जी एम वन एम टू बाय आर करते हैं। ठीक है, और चूंकि ये यूनिफॉर्म मान रहे हैं ना हम स्फेयर को, क्या मान रहे हैं? यूनिफॉर्म मान रहे हैं। तो जब यूनिफॉर्म स्फेयर होता है तो हम उसको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ पे रख के? सेंटर पे रख के, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना, है ना। तो वो जो स्फेयर है उसके बदले हम क्या कर सकते हैं? एक सिंगल मास रख सकते हैं उसके सेंटर पर, है ना। तो दो पॉइंट के बीच में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? m1 m2 by g m1 m2 by r। क्लियर? और बोलो बच्चे, क्लियर? और कोई क्वेश्चन है कि आगे बढूं? कौन सा जल्दी बोलो? एट, एट। चलो क्वेश्चन नंबर एट। इफ अ बॉडी ऑफ मास m हैज टू बी टेकन फ्रॉम द सरफेस of the earth to the height h बराबर 4r, then the amount of energy required is। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? अर्थ सरफेस पर से सरफेस ऑफ द अर्थ टू, तो ये मान लो मेरा बेटा अर्थ है बेटा, इसका रेडियस क्या है? अर्थ r। तो यहां से उठा करके मुझे क्या करना है? h बराबर कितना ले जाना है? 4r टू अ हाइट h बराबर 4r। तो इधर क्या हो गया? 4r है ना, h बराबर, h कौन सा हुआ? ये
है ना, आ रही क्या बात समझ में? तो बोलते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटे यहां पर जब था तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, मान लो मास इसका m और इसका कैपिटल m, बोलो कितना पोटेंशियल एनर्जी, माइनस g कैपिटल m स्मॉल m बाय r, और यहां जाएगा तो बोलो माइनस g कैपिटल m स्मॉल m 5r, है ना 5r। आगे बात समझ में बेटा? तो ये इनिशियल, ये फाइनल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बेटा, U2 माइनस U1, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो U2 हाउ मच बेटा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय 5R माइनस माइनस कैपिटल G स्मॉल m बाय R, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, नहीं ना समझ आ रहा है आपको? ये कॉमन ले लूं, यहाँ वन बचा, यहाँ वन बाई फाइव बचा, फोर बाई फाइव हुआ, है ना, फोर बाई फाइव कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, चलेगा? अगर मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्या, नहीं ना समझ आ रहा है? बोलो बोलो, अरे बोलो, ये क्या होता है ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, तो फोर बाय फाइव एम जी आर, नहीं समझा, कौन सा आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी, समझा कि नहीं, अच्छे से समझा, फोर बाय फाइव एम जी आर, ओके। और कोई, और कोई कि आगे बढ़ूं, हुँ? बोलो भाई, पक्का, चल चले हम आगे बढ़ जाएं, आज तबीयत ठीक है अधर, हैं टकाटक टकाटक, टिकटॉक खाता है, टिकटॉक खाता है, टिकटॉक, एक चॉकलेट आती है ना टिकटॉक, क्या बात कर रहे हो, बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, एस्केप, ई एस सी ए पी ई, एस्केप स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी, हुआ क्या, स्टार्ट करूं मैं? मैंने आपको बोला था कि हर बॉडी का अपना एक फील्ड होता है, उसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो उसके फील्ड के अंदर ही दिखता है, उस फील्ड के बाहर चले जाएंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, है ना, आ रही बात समझ में? तो हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ का भी एक फील्ड है, एक लिमिट है जहां तक अर्थ की ग्रेविटी महसूस की जा सकती है ना, अर्थ का अट्रैक्शन महसूस किया जा सकता है, जब तक हम पर अट्रैक्शन लगता रहेगा हम वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार हम उसके फील्ड को पार कर जाएं तो फिर हमारे ऊपर अर्थ का अट्रैक्शन लगेगा नहीं, तो हम दोबारा लौट करके वापस आएंगे नहीं, आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो अगर मुझे किसी चीज़ को फेंकना ही है बिल्कुल, अर्थ से बिल्कुल बाहर ही फेंक देना है कि वो दोबारा लौट करके ही ना आए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी बॉडी को जिसको आपको फेंकना है उसको इतना स्पीड से फेंको, इतना स्पीड से फेंको, हम जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ऊपर जाएगा ना, और ताकत लगाएंगे तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और ताकत लगाएंगे तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो हम इतनी ताकत लगा दें कि वो इतना ऊपर चला जाए कि वो उसके फील्ड को पार कर जाए, है ना बेटे? तो जब वो उसके फील्ड को पार कर जाएगा तो फिर फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, किसका, ग्रेविटी का, तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, समझ गए? तो हम कितनी स्पीड के साथ किसी बॉडी को फेंकें कि वो हमारे अर्थ की फील्ड को एस्केप कर जाए, यानी भाग जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी, अंडरस्टूड?
लिखो द मिनिमम वेलोसिटी या द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड विथ विच, द मिनिमम स्पीड विथ विच ए बॉडी शुड थ्रोन, द मिनिमम स्पीड विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन, बॉडी शुड बी थ्रोन सो दैट इट कैन स्केप, सो दैट इट कैन स्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड escape speed of that planet, escape speed of that planet. हर एक planet का अपना escape speed होता है, ठीक है, हर एक planet का अपना field होगा और हर एक planet के लिए अब उस field को पार करने के लिए एक speed की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अलग अलग planet के लिए हम लोग अलग अलग speed निकाला करेंगे. आ गई बात समझ में, क्या होता है ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है, चलो काम करते हैं इसके ऊपर. तो अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अर्थ के लिए निकाल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी. नाम इसका रख लिया मैंने वीई, चलेगा ना, एस्केप वेलोसिटी का क्या रख लिया, वीई. तो बेटे ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये इसका रेडियस है, मास अर्थ का कैपिटल एम ले लिया, ये मान लो सरफेस है ना बेटा. यहां पर से मुझे किसी बॉडी को क्या करना है, फेंकना है, तो फेंकेंगे भाई, तो फेंकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड देना पड़ेगा. तो स्पीड हमको कितना देना है, हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि जिस स्पीड से मैं फेंकूंगा ताकि वो बाहर चला जाए उस वाले स्पीड को क्या बोलेंगे, वी ई बोलेंगे. तो यही स्पीड से फेंकना पड़ेगा, आगे बात समझ में. अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है सरफेस पर, कौन कौन सी एनर्जी है, कितनी कितनी है, पोटेंशियल है कितनी बेटा, मान लो इसका मास m है, कैपिटल m स्मॉल m, समझ गए, इतना पोटेंशियल है. और क्या है बेटा, कितना है, हाफ m ve का स्क्वायर, टोटल कितना हुआ बेटा, जोड़ देंगे दोनों को, माइनस g कैपिटल m स्मॉल m बाय r प्लस हाफ एम वी ई का स्क्वायर, समझ गए क्या, अच्छे से समझा. तो भाई इसका हमको क्या करना है, इसको इसके फील्ड से बाहर भेजना है. फील्ड कहाँ पे जीरो होगा बेटा, फील्ड कहाँ पे खत्म होगा, जहां फील्ड जीरो होगा, नहीं समझ रहे, फील्ड कहाँ खत्म होगा, जहां पर फील्ड उसका जीरो होगा, फील्ड जीरो कहाँ होगा, सोचो, इन्फिनिटी पर, समझ रहे हो, तो हमको चले जाना है इन्फिनिटी पर, है ना, कहाँ चले जाना है, इन्फिनिटी पे चले जाना है. तो वहाँ पर फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो, माइनस जी एम एम बाई आर, आर इन्फिनिटी लोगे तो हुआ ना जीरो बाबा, समझ गए. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और हमको इतना ही स्पीड से फेंकना है कि ये जस्ट जाकर के इसको पार कर जाए, उसके बाद वो जिए मरे रुके चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझा, हमारा काम है कि मैं इसको इतना तेजी से फेंकूं कि बस ये यहां तक किसी तरीके से पहुंच जाए, एक इंच भी उधर चला गया तो हमारा काम खत्म, अर्थ का काम खत्म. अब वो दूसरा वाला प्लैनेट देखेगा या कोई नहीं है तो वो उधर भटकते रहेगा, हमें क्या करना है, मेरा टास्क है कि मैं इसको यहां से किसी तरीके से यहां तक धकेल दूं, ठीक है. तो अगर वो वहां जाकर, अगर मैं कम एनर्जी से फेंकूंगा तो क्या होगा, जस्ट जाके यहां तक पहुंच पाए, उसके बाद रुक भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वापस नहीं आ पाएगा फिर. तो मेरा टास्क है कि जस्ट वहां तक पहुंचे, वहां जाके रुक जाए तो भी चलेगा, ठीक, नहीं समझा, सारी बात समझ में. तो बेटा वहां पे जाकर के रुक गया, मान लो कम स्पीड से फेंकूंगा तो मिनिमम कंडीशन आएगा, हमको मिनिमम कंडीशन लेना है ना, मिनिमम कंडीशन लेना है, तो यहाँ जा करके रुक जाएगा, ठीक. तो काइनेटिक कितना बेटा, जीरो, टोटल कितना बेटा,
जीरो, समझ रहे हो? तो यहां जाकर के टोटल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। यहां टोटल कितनी थी, इतनी, यहां कितनी थी, इतनी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं मैं, लगा सकता हूं, तो एनर्जी को कंजर्व कर दूंगा, ठीक है, बाय या फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। पहले का एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम भी ई का स्क्वायर इक्वल टू बाहर क्या है बेटा, जीरो। नहीं ना समझा बेटे, इसको बुलाऊंगा इधर, हो जाएगा हाफ एम भी ई का स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये संपला हो गया, वी ई का स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम बाय आर, देयर फॉर वी ई इक्वल टू क्या है बेटा, स्क्वायर रूट टू जी एम बाय, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नहीं ना समझा बेटा, अभी चूंकि मैंने कैपिटल एम कैपिटल आर लिया है ना, अब ये जिस प्लैनेट की बात करूंगा मैं, उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट का रेडियस रखूंगा, अर्थ की बात होगी तो एम ई आर ई, मून की बात होगी तो एम आर एम, है ना, मतलब उसका लेना है अपने को। ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट टू जी एम बाय आर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक और चीज ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या है कहाँ पे, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ बेटा, टू आर जी, अर्थ सरफेस पर क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट टू आर जी। तो फ्रॉम अर्थ सरफेस एस्केप स्पीड जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, स्क्वायर रूट टू आर जी या फिर टू जी एम बाय आर, ठीक है, क्या अंडर रूट टू जी एम बाय आर या फिर अंडर रूट टू आर जी। अब इसमें से मुझे सारी चीजें पता है, आर पता है मुझे कितना है बेटा, 6.4 इंटू 10 रेस टू 6 और ये 9.8, तो जब मैं रखूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि अगर आप किसी चीज को इतने स्पीड से फेंक देते हो तो वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, समझ गए, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, नोट कर डालिए बेटा। डन, आगे बढ़ू बेटे। अब मैं अगर ये बोलूं कि जो हमारा अर्थ है उसकी डेंसिटी रो है, क्या उसकी डेंसिटी रो है,
तो इसको डेंसिटी के टर्म्स में करके दिखाओ तो कर लोगे, कर सकते हो कि नहीं? चलो बताओ, करो तो डेंसिटी के टर्म्स में। क्या करना पड़ेगा अपने को? मास को डेंसिटी के टर्म्स में ला के रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? करो, इसको डेंसिटी के टर्म्स में अगर लाना हो, मान लो अर्थ की डेंसिटी क्या है? रो है ना? जैसे फील्ड को डेंसिटी के टर्म्स में लाए थे ना बाबा, भूल गए? वैसे इसको भी ला सकते हैं क्या? बताओ क्या आ रहा है? बताओ जल्दी से। क्या बोला भाई? टू जी रो बाय थ्री। सब चीज अंदर ही रखो, तो अंदर ही रखो सब चीज। एट जी, हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया आपको, है ना बेटा? तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बेटे? तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बता दो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन, है ना बेटे? क्या हो गया? देयरफॉर VE बराबर स्क्वायर रूट 2G बाय आर, और एम के बदले इसको रख देंगे, रो इंटू 4/3 πr³, इजंट इट? तो ये आर और ये आर क्या हो गया बेटा? स्क्वायर में कट गया, तो क्या बचा? तो 4 × 2 = 8, 8 g, है ना, पाए रो बाय 3, और आर स्क्वायर से आर बाहर कर लिया। दिस इज एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास के टर्म्स में वो, डेंसिटी के टर्म्स में ये। नहीं ना समझा? अच्छे से समझा? बोलो भाई, आगे बोलूं? आगे बोलूं? हेडिंग डालना, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। बोलूं? पहला पॉइंट लिखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझते हो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? क्या कभी सुना है? इसके पहले हमने बात की है इसके बारे में, कहाँ की है? प्रोजेक्टाइल में, है ना? हम ऐसे ऐसे फेंकते हैं या ऐसे ऐसे फेंकते हैं या ऐसे ऐसे फेंकते हैं, काई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझा? है ना, ऐसे फेंका तो एंगल 90 हुआ, ऐसे फेंका तो कुछ एंगल, ऐसे फेंका तो कुछ एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे फेंकूँ या फिर वर्टिकल वर्टिकल फेंकूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा क्या? आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा सर, ऐसे ऐसे फेंकूंगा तो ऊपर कैसे जाएगा? मन में सवाल आया होगा, है ना? मन में आया सवाल, लड्डू फूटा नहीं फूटा? अरे मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा? अरे भैया, तो आपको देखने में लग रहा है ना कि ये सीधा है, हैं? आपको देखने में लग रहा है ना ये सीधा है। आप अगर ऐसे भी फेंकोगे तो क्या होगा? नहीं समझा? जाएगा ना? तो इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा फेंकूंगा तो भी जाएगा, ऐसे फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा तो भी जाएगा, कैसे भी करूंगा तो ये चला जाएगा, इतने स्पीड से अगर मैं फेंकूंगा तो। इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर मेरी बात? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, it is also independent of direction of projection,
direction of projection. It is also independent of direction of projection. क्या मतलब हुआ? मैं लेफ्ट साइड फेंकूं, राइट साइड फेंकूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, बट आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी अगर आप, जैसे कि अर्थ हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है. अर्थ किधर घूमता है बाबा? हाँ, सूरज कैसे उगता है? ईस्ट टू वेस्ट. क्यों? क्योंकि अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट. समझ आया क्या? वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है. तो अगर मैं जो बॉल फेंकूंगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को फेंकूं, उसका भी डायरेक्शन अगर सेम होगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. तो उससे आपका कम स्पीड में भी थोड़ा वो क्या होगा, पहुंच जाएगा. नहीं समझा? अदरवाइज उसको क्या होगा, अपोज झेलना पड़ेगा थोड़ा. आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना या इसी में कंटिन्यू करो. बट इसी में कंटिन्यू करो. बट इट इज ईजियर टू एस्केप. इट इज ईजियर टू एस्केप इफ इट इज प्रोजेक्टेड. इफ इट इज प्रोजेक्टेड along the direction of rotation of earth, along the direction of rotation of earth, that is from west to east. Samjha? Clear hai meri baat? Next. Acha ye batao, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं? हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं? हाइट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अभी मैंने कहाँ से फेंका? ग्राउंड से फेंका. थोड़ा ऊपर जाके फेंकूं तो करेगा? ऑब्वियसली करेगा. अगर मैं यहाँ से फेंकता हूँ तो मुझे इतना कवर करवाना है. अगर मैं ऊंचाई से जा करके फेंकता हूँ तो मुझे तो इतना ही पार करवाना है. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से फेंकूंगा तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो बताओ हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पे करेगा? करेगा. ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं, बट हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पे हाँ. समझा कि नहीं? क्लियर? अगला पॉइंट लिखा, बट इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ प्रोजेक्शन. जहां से हम फेंक रहे हैं अगर वो हाइटेड प्लेस होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा. इसीलिए आप देखना, कभी आपने वो देखा, न्यूज वगैरह तो नहीं देखते होगे कभी तुम लोग? दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा. न्यूज वो किस चिड़िया का नाम है, देखते हो तुम लोग? नहीं ना? कितने ईमानदार बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारी ईमानदारी पे तो एकदम फिदा हो जाते हैं हम लोग. गुड, नहीं देखना चाहिए न्यूज, है दिन दुनिया के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? अरे बेवकूफो, दिन दुनिया से थोड़ा अपडेट रहो, है ना, काम आता है. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, अगर न्यूज सुनते होगे तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भारत ने फलाना रॉकेट लॉन्च किया, ये किया, फलाना सैटेलाइट भेजा, है ना, इस तरीके की न्यूज सुनने को मिलती अगर आप लोग सुनते. तो आप लोगों ने सुना नहीं है ना, तो उसमें क्या होता है, देखना जो रॉकेट लगाया होता है वो एकदम ऐसे ऊपर, मतलब काफ़ी, एक तो वो जो होता है, वो जो लॉन्चिंग पैड होता है, अक्सर वो हाइटेड प्लेस पे बनाया जाता है. ठीक है, तो रीजन इज सेम, है ना, क्योंकि ज़्यादा हाइट रहेगा तो हमको क्या होगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी वहाँ से फेंकने के लिए. ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी के बारे में. अंडरस्टूड? अच्छे से समझा? अब देखो, ये जो एस्केप स्पीड है या एस्केप वेलोसिटी का है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे प्लैनेट या किसी भी प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर है या नहीं है, इसके होने या ना होने में सबसे बड़ा रोल एस्केप वेलोसिटी का है. समझा क्या? वो कैसे सर? वो ऐसे कि जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ठीक है, कई प्रकार के उसमें गैसेस है. सर गैस तो हमने पढ़ा है कि वो एक जगह रुकती नहीं है,
वो इधर से उधर चली जाती है, तो फिर वो निकल क्यों नहीं जाती भाई? कैसे हमारे अर्थ से चिपका हुआ है, वो क्यों नहीं भाग जाती है? अर्थ गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना, इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसा ऐसा करके भागते रहते हैं, है ना। इसलिए एक तरफ गैस छोड़ो, थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ सुना मतलब महसूस होता है कि नहीं, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो गैस क्योंकि वहां से मॉलिक्यूल क्या हुआ, चलता हुआ एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने तक ऐसा चला जाता है, तो भैया वो गैस जो मतलब एटमोस्फेयरिक गैसेस हैं वो भी क्यों नहीं चले जाते, सोचने वाली बात है, आ रही बात समझ में? तो जो आगे चल करके हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पर और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और उनके पास एक स्पीड भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा थर्मल स्पीड। क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड कहते हैं, या आरएमएस स्पीड बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वो हर एक मॉलिक्यूल के पास होता है और वो होता है बेटा ऐसा, क्या बोलते हैं, 3/2 RT/m ऐसा, ठीक है, 3/2 RT/m या 3/2 KT, 3/2 KT, के समझते हो, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतनी एनर्जी होती है उसके पास, किसके पास बेटा, मॉलिक्यूल के पास, सॉरी 3/2 RT/m, सॉरी VRMS बोल रहा था ना, मतलब VRMS इतना उसके पास होता है। आई क्या बात समझ में? तो जनरली जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, गैस कोई भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा, और जो भी हमारा टेम्परेचर है, ये सारी चीजें रखूंगा तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगी, है ना। तो जनरली जो है गैसेस का आरएमएस स्पीड वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आता है, नहीं समझा, कितना होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और भागने के लिए कितना चाहिए, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। भाग पाएगा क्या, नहीं भाग पाएगा ना, तो इसलिए जो गैसेस हैं वो हमारे प्लैनेट को छोड़ के नहीं जा पाते हैं, हमारे से चिपके रहते हैं, तो ये है कारण प्रेजेंस ऑफ इसका। बाकी जैसे ग्रह है ना, हम लोग बोलते हैं वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, जैसे मून है भाई, तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है भाई, तो क्योंकि जो उसका मास क्या होता है बेटा, कम होता है, रेडियस क्या होता है, कम होता है, उसका आप कैलकुलेट करोगे तो उसका समथिंग नहीं, हाँ उसका जो है वो जो आपने आरएमएस स्पीड देखा उससे कम होता है उसका एस्केप स्पीड, तो समझ रहे हो, एस्केप स्पीड जितनी चाहिए, भागने के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा तो उस गैस का स्पीड है। कौन सी गैस, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, जो गैस हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो गैस की जो एस्केप स्पीड है वो उसके एस्केप मतलब उसकी जो स्पीड है एस्केप स्पीड से ऑलरेडी ज्यादा है, तो भाग जाएगा, वहां पे रह ही नहीं पाता, तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। आई की नहीं बात समझ में, क्लियर है? तो किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर तभी होगा जब आरएमएस स्पीड एस्केप स्पीड से कम रहेगा। क्या बोल रहे हो सर आप, ये क्या चल रहा है ना, यही सोचते होगे तुम लोग, कौन सा प्रवचन चल रहा है, हमारे भी तो कुछ पल्ले पढ़ना चाहिए ना सर, ऐसा कुछ बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, पल्ले पढ़ रहा है पक्का, तो थोड़ा सा चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, एक्टिवनेस दिखना चाहिए, तुम लोग तो ऐसे सरेंडर हो जाते, पढ़ा लो सर आपको जो पढ़ाना है पढ़ा लो, हमें क्या करना है अरे भाई एकदम से दया आ जाती है तुम्हारे ऊपर, नहीं मेरे ऊपर अरे सभी में समझ आ रहा है ना आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, देयर विल बी नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर
देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन एनी प्लानेट इफ वी आर एम एस इज लेस देन वी एस्केप, ठीक है ना, एस्केप से कम होगा तभी वहां पर एटमोसफेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझा कि नहीं। वी आर एम एस लेस देन वी एस्केप, स्टेटमेंट क्लियर है मेरी, अच्छे से समझा, ठीक आगे बढ़ जाऊं। अगर आपने आपने ऐसा सुना होगा कि किसी भी चीज की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं समझा, क्या समझा बेटा, देयर इज नो बडी नथिंग हुज स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, समझ गए। अब मान लो किसी प्लानेट का एस्केप स्पीड लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो तो क्या होगा, इवन लाइट भी वहां से भाग नहीं पाएगा, नहीं समझा, क्लियर है मेरी बात। अगर किसी प्लानेट की या किसी भी बॉडी की एस्केप स्पीड लाइट के स्पीड से भी अधिक हो तो वहां से लाइट भी भाग नहीं पाएगा, समझ रहे हो, और अगर वहां से लाइट भाग नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है, उस पर कोई भी चीज जाएगा तो वो क्या कर लेगा, उसको बोलो, कोई भी चीज उसके पास जाएगा तो वो खींच तो लेगा लेकिन जाने नहीं देगा, अरे नहीं समझ आ रहा है, समझ रहे हो, उसके पास जो, अरे भाई उसकी एस्केप स्पीड ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी जी बहुत ज्यादा है, उसकी जी बहुत ज्यादा है यानी उसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ग्रेविटी उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेगा लेकिन जाने कोई चीज क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो कस के पकड़ के रखा है भाई, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ग्रेविटी लगा रहा है वो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसलिए वहां से कोई नहीं जा पा रहा है, ऐसे बॉडी को कहते हैं क्या, ब्लैक होल, आई बात समझ में, ऐसे बॉडी को कहते हैं ब्लैक होल, अच्छे से समझा। अगला पॉइंट लिखिए, इफ एस्केप स्पीड ऑफ एनी हिवेनली बॉडी, हिवेनली बॉडी मतलब समझ गए ना, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, टेरिस्ट्रियल अर्थ के बाहर की चीजें, ठीक है, क्या क्या लिखा है मैंने, इफ एस्केप स्पीड ऑफ एनी हिवेनली बॉडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखते हैं, शांति हो ना, तो वी ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को कैसे दिखाते हैं बेटा, सी से, है ना, इफ एस्केप स्पीड ऑफ एनी हिवेनली बॉडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट देन not even light can escape from such body, not even light can escape from such body and thus such body is called black hole, thus such body is called black hole, समझा क्या, बोलो अच्छे से समझा। तो बेटे अभी हमने देखा कि VE कितना होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2GM by R should be greater than equal to C, है ना, इसको फुलफिल करना पड़ेगा, है ना, बोलो बच्चे। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई अगर इस किसी को मुझे ये बनाना है, क्या बनाना है, ब्लैक होल बनाना है,
तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए, उसका मास क्या होना चाहिए, ऐसी चीजें आपसे पूछा जा सकता है ना। तो अगर जैसे कि मैं बोल लूँ कि अर्थ को मुझे क्या करना है भाई, अर्थ को मुझे क्या बनाना है, ब्लैक होल बनाना है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना हो जाना चाहिए, कितना कस दूं या बड़ा कर दूं कि छोटा कर दूं, क्या करूं कि वो ब्लैक होल बन जाए, तो भाई ब्लैक होल बनने की शर्त क्या है, ये है, दिस इज द कंडीशन फॉर बिकमिंग ब्लैक होल। तो बेटा स्क्वायरिंग कर लूंगा, है ना, 2gm by r is should be greater than equal to c square, है ना बेटे, बोलो बेटे, तो देयरफॉर r बराबर क्या हो, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, r should be less than equal to, है ना, r इधर बुलाए ना, इस तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू, है ना, तो r लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2gm by c square, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हमारा r इससे छोटा हो जाएगा, है ना, अगर अर्थ को ऐसा कंप्रेस करके दबा दबा के अगर इससे छोटा रेडियस कर दूं उसकी, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, कुछ भी वहां से जाएगा नहीं, समझा कि नहीं, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ ब्लैक होल, अंडरस्टूड, नोट कर डालो। अच्छा ठीक है बुक है मेरे पास, चलो तो भैया जरा बना डालो 10.53। चलो 10 पॉइंट कर डाला, जल्दी करो फटाक से, ये लो भैया, Thank you.
मैच करो ना आंसर आया कि नहीं आया। आया चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। हुआ ठीक है, 10.54 बना लेना बेटा, 10.55 बना लेना, है ना। इसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सारे बना लोगे आप लोग, बोलो बच्चे ठीक है, इसको कर लेना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ठीक है, प्लैनेट के अराउंड जो हीवनली बॉडीज मूव करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, सैटेलाइट कहते हैं ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट के केस में भी यूज कर सकते हैं ठीक है, क्लियर है। तो एक बार पढ़ेंगे दो जगह इसका यूज करेंगे। तो मान लो बेटे क्या हेडिंग डाला हमने, एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ हाँ तो अर्थ प्लैनेट ही है, है? समझ गए क्या। तो मान लो बच्चे ये हमारा प्लैनेट हो गया, इस प्लैनेट से अगर क्लोज टू अर्थ घूम रहा होगा ठीक है, एक केस ले सकते हैं क्लोज टू अर्थ वाला, या फिर चलो हाइट ही रखते हैं कोई बात नहीं, यहां पे रखते हैं मान लो ठीक है। अरे बात समझ में, सेंटर से इसकी दूरी सपोज स्मॉल आर है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अराउंड ये घूम रहा है ना, ऐसा एक स्पीड से घूम रहा है। मान लो कितनी स्पीड है भैया, तो वी है ना, कितनी स्पीड है, v है। तो बताओ इसके पास क्या क्या चीजें होगा, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, क्या क्या कौन कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक होगी और पोटेंशियल होगी, समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा, हाफ m v स्क्वायर ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर होगी, इतनी बात समझ में आ रही। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये घूम रहा है ना, इसको घुमाने के लिए आपको पहले से पता है कभी भी कोई चीज घूम रही तो उसको क्या चाहिए, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसको
इसके ऊपर क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना, कितनी बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर, कौन देगा बेटा इसको ये फोर्स, मैंने क्या बोला ये रिक्वायरमेंट है, कैसे फुलफिल करेंगे यहाँ पे, ग्रेविटी के द्वारा, तो दिस शुड बी इक्वल टू, ग्रेविटी कितना है, ग्रेविटी कितनी है, आर स्क्वायर, आ रही मेरी बात समझ में, तो बेटे ये आर और ये आर कट गया, है ना, और बच गया क्या, देयरफोर एम वी स्क्वायर बराबर बचा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, कुछ दिक्कत है, अब बेटे इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमको सीधा सीधा मिल गया, एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर क्या मिला बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर क्या मिला, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आर और ये आर कट गया, दोनों साइड अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, यही तो काइनेटिक एनर्जी है ना, नहीं समझा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ध्यान बस आपको इतना रखना है कि जो मैंने डिस्टेंस लिया वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लिया है ना बेटे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लिया है, सरफेस से बोलेगा तो कुछ और होगा, और टोटल कितना होगा आर की जगह पर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, नहीं समझा, बोलो, तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी एनर्जी होगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी बताओ, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू, बोलो बच्चे आ रही बात समझ में, दोनों को जोड़ दूं तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्या बचेगा बेटे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर, दिस इज द टोटल एनर्जी, नहीं ना समझा, बोलो, नहीं समझा, अतः क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, ये कैसे किया सर, यही तो नहीं समझ में आया, है ना, लोग टेंथ पास करके इलेवेंथ में आते हैं, तुम लोग भी ऐसा ही किए होगे ना, कि तुम लोग कोई एक्सेप्शन हो, ये सब चीजें हम सॉल्व करना अभी सीखेंगे, पहले से पता होना चाहिए, वाह शाबाश, क्या कहने, वाह तुम्हारा क्या कहना, चलो देखो कितना टफ है ये, बहुत टफ है, हम क्या करेंगे इसमें जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर को कॉमन लेंगे, ऐसे सॉल्व करने का, हमारे पास बहुत घंटों रहते हैं सॉल्व करने के लिए, टेंशन ही नहीं है, है ना, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, एकदम ऐसा मस्त करने का, 1.5-2 घंटा लेकर के एक सॉल्यूशन करने का, ओके, तो फिर टोटल एनर्जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, है ना, हाफ माइनस 1, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, और साइन किसकी लगती है, बड़ी वाली का, तो फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, नहीं तो ये माइनस हाफ हुआ, ठीक, फिर हम यहाँ जा कर के लिखेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम टू आर, कितना टफ था, बहुत टफ था ये, बहुत टफ, दिमाग खाली हो गया सर एकदम से, इतना टफ था ये, है कि नहीं, ऊपर का मंजिल पूरा खाली हो गया, क्लियर, तो कितना आया बेटा, टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, कुछ दिक्कत है, तो यहां पर हमें
तीन प्रकार की एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो आई वो कितनी आई, नेगेटिव में आई। क्या आई, नेगेटिव में आई। ये टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना इस बात की प्रूफ है कि वो बॉडी अर्थ के सिस्टम को छोड़ के नहीं जा सकता। जिस दिन ये जीरो या पॉजिटिव हो जाएगा वो हमारी ग्रेविटी को छोड़ देगा, जब तक नेगेटिव है तब तक नहीं छोड़ सकता। ये हमारे ग्रेविटी, हमारे अर्थ से बाउंडेड है, क्या है, बंधा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने कर्जा खा के रखा है। आप कर्जा लेके थोड़ी भाग सकते हो किसी को, उसका कर्ज चुका दोगे तब भाग सकते हो, अगर ईमानदार हो तो। बेईमानों के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन नेचर में नाइंसाफी नहीं होती है। ये नेचर की बात है, इंसान की बात अलग है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या शो करता है कि इट इज बाउंडेड टू दैट प्लैनेट। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो स्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। नहीं समझा, अच्छे से समझा। अब अगर मैं ये बोलूं कि बेटा इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, तो क्या बोलोगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। तो मैं ऐसा लिखूं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा कि नहीं, इतना नहीं समझा। तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एक बात। अगर मैं बोलूं इसमें इसमें रिलेशन बताओ तो क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ से हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ये चीज मैग्नीट्यूड में, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं समझा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टू लिख सकता हूं। नहीं समझा, ए बोलो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, देखो तो है ना, समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो उसमें अगर मैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसके बदले ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर के बदले क्या रख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। क्यों किया ये सब मैंने, मतलब एक भी एनर्जी अगर मुझे मिल गई ना तो मैं तीनों निकाल सकता हूँ, है ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी आया तो उसका निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, है ना। टोटल एनर्जी आया टू टाइम्स करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। नहीं समझा, तो कोई भी एक एनर्जी इनमें से पता चल जाएगा तो तीनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, निकल आएगा। आगे बात समझ में, नोट कर डालो। आगे बढ़े, बोलूं
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आज स्टार्ट करें 10 मिनट है। क्या करें, नया टॉपिक स्टार्ट करूं कि कल करूं? करूं, चलो हेडिंग डाल, सैटेलाइट। सैटेलाइट नेक्स्ट हेडिंग, सैटेलाइट। एनी हिवेनली बॉडीज, एनी हिवेनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड, एनी हिवेनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लानेट, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लानेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी चीज जो प्लानेट के चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सन के चक्कर लगाने वाला प्लानेट, प्लानेट के चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट, समझ गए। सैटेलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक क्या हो गया बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, क्या बोला मैंने, आर्टिफिशियल, तो समझ गए क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट, है ना। मैन मेड सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश ने पहला जो उपग्रह भेजा था कौन सा था बेटा, आर्यभट्ट, है ना, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, तो लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर आर्यभट्ट, ठीक है। दूसरा नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा नेचुरल सैटेलाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरली नेचुरल हिवेनली बॉडी, है ना, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, नेचुरल हिवेनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल मून किसका है, अर्थ का है। इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट के होते हैं, किसी के होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं, किसी के एक होते हैं तो किसी के बहुत होते हैं, है ना। शनि वगैरह के कई सारे हैं, ठीक है, किसी के कुछ भी नहीं होते, जैसे कि मंगल वगैरह के, मंगल के हैं ऐसे, क्या मंगल के हैं ना, फोबोस और क्या कहता ऐसी कुछ, प्रोबोस फोबोस ऐसा करके दो ठो है इसका, है ना। बुध वगैरह के नहीं है, बुध को क्या बोलते हैं, विनस है। अरे तुम लोग तो अंग्रेजी माध्यम के हो, बताओ पढ़े ना, अभी अभी तो पढ़े होगे 9th-10th में तुम लोग, है ना। टाइटन किसका है, शनि का, टाइटन जुपिटर का है, ओके गुड, समझ गए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, समझ गए ये चीज, तो मून हो गया इसका। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। अगेन सेम चीज होगा बेटा, जैसा जैसा आपने प्लैनेट के केस में देखा, अभी जैसा हमने किया था, सेम इसके लिए भी होगा, सैटेलाइट के लिए, है ना। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो प्लैनेट है ना, और ये इसके
चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये इसके चक्कर लगा रहा है। आ रही बात समझ में? तो दो तरह से डिस्टेंस को दिखाया जा सकता है, एक इसका डायरेक्ट आर बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक एच। तो आर बराबर क्या हो गया बेटा, आर प्लस एच हो गया। समझ गए क्या, आर बराबर आर प्लस एच हो गया। तो बाकी चीज़ें आपने देखी ही है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, इसका मास मान लो स्मॉल एम हो, इसका मास कैपिटल एम हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर, या फिर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू टाइम्स आर प्लस एच। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, या फिर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू टाइम्स आर प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, या फिर माइनस, सही करा ना, हाँ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू टाइम्स आर प्लस एच। समझ गए बच्चे? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आगे बढ़ू, नेक्स्ट हेडिंग डालना, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो देख रहे हो आप, क्या देख पा रहे हो बेटा, कि कोई भी अगर हम सैटेलाइट भेजते हैं तो वो क्या होता है, एक सर्टेन हाइट तक उठता है और फिर वो चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, तो एक ऐसा है ना, ये देखो, एक ऐसा एक डेफिनेट पाथ बन जाता है जिस पर वो लगातार क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो वो जिस ऑर्बिट में जिस स्पीड के साथ घूम रहा होगा, है ना बेटे, उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। द स्पीड विथ विच, द स्पीड विथ विच a satellite, the speed with which a satellite revolve around the satellite, the speed with which a satellite revolve around its planet, around its planet in its orbit, in its orbit is called its orbital speed, is called its orbital speed। कोई दिक्कत? बोलो बच्चे, डरा दिया था यार तुम, ऐसे बोला। हाँ, ये टू, नहीं नहीं यहाँ टू नहीं रहेगा, ये पोटेंशियल था ना, नहीं नहीं सॉरी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, इट्स कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, समझ गए। इसको अपन क्या करेंगे, वी ओ से शो करेंगे, है ना, लिखो, इट इज डिनोटेड बाय वी ओ,
इट इज डिनोटेड बाय वी ओ। समझ गए बेटे? तो बच्चा मान लो इसका ऑर्बिट ये है ना, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से देखें तो स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये वी स्पीड से घूम रहा है ना बेटे, वी स्पीड से घूम रहा है, तो क्या लगेगा इसके ऊपर, क्या लगेगा इसके ऊपर, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा किधर, इस तरफ, कितना बेटा, एफ सी इक्वल्स टू एम वी, वी कौन सा, वी ओ है ना, अपने ऑर्बिट में है, अपॉन आर, एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर, आर को क्या लूं मैं, एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर प्लस एच, समझ गए, तो ये तो रही रिक्वायरमेंट की बात, ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरी होगी ये रिक्वायरमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो एफ जी क्या बेटा बोलो, आर स्क्वायर या फिर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना, बोलो सेंट्रिपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, ग्रेविटेशन से मिल रहा है, आ रही ना बात समझ में, तो बेटे एम वी नॉट का स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, है ना बेटे, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, आर और आर कैंसिल हो गया, तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर आया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, देयर फॉर ऑर्बिटल स्पीड इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर जी एम बाय आर, नहीं समझा, क्या आया, रूट अंडर जी एम बाय आर, वी नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी कैपिटल एम, और स्मॉल आर को और क्या लिख सकते बेटा, आर प्लस एच, नहीं समझा, अरे बोलो, तो बताओ कौन कौन सी चीज पर डिपेंड कर रहा है बेटा ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन, जल्दी बोलो, मास किसका, प्लैनेट का, ये जो है उस सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है, सैटेलाइट छोटा हो बड़ा हो से फर्क नहीं पड़ता, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका, तो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट जिसका चक्कर लगा रहा है या जिसका वो सैटेलाइट है उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगा मास ऑफ द प्लैनेट, दूसरा बेटा, दूसरा क्या, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, नहीं, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम the surface of planet, understood, okay, ये दो चीजों पर आपका depend कर रहा है क्या, orbital speed, किस पे नहीं करता है, it is independent of mass of the satellite, note करके लिखेंगे, note, it is independent of mass of satellite, mass of satellite, ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में, अच्छी शबा शंपली, कल यहां तक करके आइए, ओके, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा चैप्टर।